एक भाजपा का प्रत्याशी ऐसा जो गांव-गांव जाकर इंटरलॉकिंग तक कहां से कहां लगाई है वो जानती है। आज मैं चुनौती देती हूं, 15 साल यहां राहुल गांधी रहे, टिकरिया ढूंढ के बता दें। वो ये नहीं जानते कि जामो कहां है, ये नहीं जानते कि पंडरी कहां, ये नहीं जानते कि आप भेटुआ कहां से जाएंगे, भादर कहां से जाएंगे, हलियापुर कहां से जाएंगे, ये नहीं जानते कि छतो कहां है, डी कहां है। हम दादा से कह रहे थे, दादा जगदीशपुर तो छोड़िए, तिलोई में अगर कोई पूछ ले इन्होना कहां है, पन्होना कहां है, महोना कहां है, ये बता नहीं पाएंगे। और इनको चुनाव लड़ना है, और चुनाव क्या लड़ना है, कहते हैं स्मृति ईरानी को औकात दिखा देंगे। अरे भैया, हम गरीब परिवार में जन्मे, हमको क्या औकात दिखाओगे? ये तो गरीब परिवार की औरत है जिसको देखकर गांधी खानदान भाग गया, ये ताकत गरीब की है। लेकिन आज मैं आपके सामने एक चौंका देने वाला सत्य बोलने आई। अभी अभी मैं मटियारी जी के साथ बात कर रही थी, हमने फोन पर एक ऐसी खबर देखी, हमारे भौचक्के उड़ गए। दादा, कांग्रेस पार्टी में 32 साल से काम करने वाले एक नेता ने कहा कि राहुल गांधी का ये मंतव्य है कि अगर राहुल गांधी को थोड़ी सी भी सत्ता मिल जाए तो राम मंदिर बनाने का जो निर्णय हुआ है वो राम मंदिर के निर्णय को पलटा दे, दोबारा वहां पर मस्जिद बना दे। आप अहंकार देखिए, यहां कितने लोग हैं जिनको अक्षत मिला है राम मंदिर का, मिला ना? यहां पर कितने लोग हैं जिनको प्रसाद मिला, मिला ना? हमने कभी कभी भगवान का प्रसाद तो ठुकराया नहीं, हमने कभी किसी और के धर्म का अपमान किया तो नहीं, हमने सभी के धर्मों का सम्मान किया, अपने आराध्य की हमने आराधना की, पूजा पाठ किया। अब दादा तो तेज विधायक तेजभान सिंह जाने जाते हैं, इन्होंने वो नजारा भी देखा था जब जगदीशपुर में कांग्रेस का जब यहाँ पर सांसद था, शुक्ल बाजार में भागवत का पाठ नहीं करने देते थे कांग्रेस के गुंडे। बीएचईएल के रोड नंबर 1 है, दीदियां जो बैठी हैं महिलाएं, पूछ लीजिए वहां परिवारों, मंचे में खड़े रहते थे, घर की लड़कियां ट्यूशन करके लौट रही होती थी, उनका आंचल खींचकर उनको अपमानित करते थे, और जाकर अगर कांग्रेस के सामने गरीब परिवार हाथ जोड़ते थे कि बेटियों की इज्जत बनी रहे तो उन परिवारों को प्रताड़ित किया जाता था। आज आपके सामने आपकी सांसद और प्रतिनिधि के नाते मैं ये चुनौती दे सकती हूँ, जब से मैं क्षेत्र में आई हूँ किसी मंचले की हिम्मत नहीं हुई है किसी औरत के आंचल को हाथ लगाने। इसीलिए ये चुनाव आपके परिवार को संरक्षित रखने का चुनाव है। मैं 5 साल से आपकी सांसद हूं, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह दे दीदी ने पक्षपात किया हो, दीदी ने बात ना सुनी हो। मेरे रहते अमेठी की लोकसभा क्षेत्र के एक भी व्यक्ति का बाल बांका नहीं हुआ है।